वोमन वॉशरूम, मेंस वॉशरूम और रॉयल एसआर उसमें चला गया था। तो छपरी भाई ये हर बार इधर से उधर कर रहा है, ऐसा नहीं चलाने का। चद्दर ओढ़ के मतलब अपने हिमालयन यहाँ पे सोई हुई है, जगाना पड़ेगा, बोलना भाई भाई संडे राइड चलो, उठो 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 संडे राइड, फटाफट उठो, क्या सो रहे हो अभी तक, उठो भाई उठो, अरे उठो ना, उठो उठो उठो, उठ गए लग रहे, चलो आगे मिलते भाई। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, DD01 राइडर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं एक राइडिंग व्लॉग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैं व्लॉग लेके आ रहा था और 26 जनवरी की तैयारी में था, तो वो वाला भी काम हुआ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना अपनी DR आर्मी फैमिली को। बहुत खुशी हुई मुझे सपोर्ट देख के, मतलब जो एक हफ्ते की व्यूज मुझे लग रहा है 24 आवर्स के अंदर ही आ गए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। रैंक कर रही थी अपनी वीडियो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगा था, नंबर वन पे रैंक कर रही थी, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो यार क्या ढांसू सपोर्ट मिला, ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहना आगे, एक से एक मस्त व्लॉग लेके आता रहूँगा। और आज यार आज संडे राइड पर निकले हुए और बहुत प्रॉब्लम हो गई संडे राइड पर, क्योंकि मैं तो कब से रेडी होके बैठा था ये, और साथ में मेरे साथ दो और राइडर है, बहुत बहुत लेट हो गए थे वो लोग आने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी तो आ गए, अभी जा रहे हैं हम लोग। इसको देखो RS 200 छपरी बॉय, और वो उधर आगे देखो फुल जैकेट पहना हुआ है फिर भी ठंडी लग रही है। आज फाइनली यार फाइनली मैं गाड़ी निकाल पाया हूँ अच्छे से, इतने दिन से मैं अपनी हायाबूसा पे घूम रहा था। आई होप आप लोग समझ में गए हैं मेरा हायाबूसा मतलब कौन सा, वो 18 लाख वाली नहीं है, वो तो 50,000 के अंदर ही आ गई थी, तो वही लेके मैं इतने दिन घूम रहा था, क्योंकि वो थोड़ा परवड़ जाता है ना व्लॉग व्लॉग बनाने के लिए, यहाँ वहाँ जो भी कुछ शूट वूट करना हो, तो अब इस पर जाऊँगा ना शूट करने, तो जितने का शूट नहीं होगा ना भाई उतने जगह तो पेट्रोल खा लेगा भाई। ऑसम व्यू दिख रहा है, मतलब यहाँ से सन ऊपर आ रहा है और इधर से ऐसा ये फॉग है ना, तो एकदम लाइट आ रहा है फॉग के ऊपर। यहाँ महालक्ष्मी टेम्पल आगे है, उसके ऊपर ऐसा लाइट जाता होगा मस्त जबरदस्त, एक नंबर दिख रहा है सीन। महालक्ष्मी टेम्पल का बोल रहा था ना, वो उधर एक माउंटेन है उस पर, तो यहाँ से डायरेक्ट सनराइज उस पर आता होगा। तो छपरी भाई ये आज छपरी राइडर पता नहीं कौन है, बार बार इधर से उधर कर रहा है, ऐसा नहीं चलाने का गाड़ी, फिर कुछ होता है ना फिर प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है। और ना तो भाई ने कुछ पहना हुआ है, एक शर्ट पहना हुआ है बनियान है अंदर वाइट कलर की, अरे यार गलत बात है, देखो कैसे भगा रहा है। जब रोड खाली रहता है ना तब एकदम सीधा सीधा भगाने का, ऐसे पागल जैसा नहीं भगाने का, फिर इसको तो रुका के ना देना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। जानबूझ के स्लो हो जाता है, दिखाने के लिए फिर वापस ओवरटेक मारेगा ऐसा, तेरे को मारेगा गाई टोंडे बन के मारेगा तेरे को, देखो अभी बताता हूँ थोड़ा, देखो अब कैसा चल रहा, ऐसा जरूरी है क्या ऐसा चलाना, ऐसा सीधा जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ये गलत बात है। आई टोटली अपोज दीज थिंग्स ऑन रोड, मैं रोड पे यार ये सब कुछ नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, रोड तो छोड़ो हाईवे ऊपर से। देखो भाई डांसर, बाइक के साथ डांसर है, आज KTM नहीं लेके आया, आज KTM नहीं लेके आया और आज ये लेके आया ये चाबी छुपा दी गई है और ये नाच रहा है जोर जोर से। देखो भाई ये राइड पते होता है ना, राइड पे ना जो कोई बोलता है ना कि हाँ भाई राइड पे आने वाला हो, तो ये आदमी भाई, मतलब कितने लोग मुझे मिले पर वो झूठ बोलते हैं कि हाँ भाई राइड पे आ रहा है ये ऐसा वैसा, लेकिन इसने बोला हाँ राइड पे आ रहा, मतलब आ रहा है। कौन झूठ बोला? वो थोड़े इधर ही है, थोड़े साइड में ये और नहीं आने का तो सीधा बोल देगा ना ये नहीं आ रहा वैसा। तो आज बहुत दिन बाद मिस्टर फ्लैश
मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दिन बाद हम शायद खुद ही आए, बहुत दिन बाद हम लोग आते ही नहीं थे यहाँ पे, और आज कोई दिख भी नहीं रहा है, तो पता नहीं अभी शायद क्या होने वाला है, क्या है, क्या मजा मस्ती होगा पता नहीं, लेट्स सी। चलो तो गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अहूरा पे जाते हैं। तो पहुँच गए हैं हम अहूरा, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है, खाने को स्पेशल मिलेगा, हमेशा का जैसा स्पेशल एक ही चीज़ ना हो भाई। भीड़ तो आज इधर है, उधर तो थोड़ी भी भीड़ नहीं थी भाई। पहुंच गए हम लोग यार अहूरा पे, देखो यहाँ पे बाइक्स की लाइन लगी पड़ी आज, वो हायाबुसा देखो, ये अभी बहुत एसेसरी वगैरह इसमें बहुत कुछ लगाना बाकी, ये लग जाएगा ना उसके बाद एक नंबर दिखता है ये वाला गाड़ी, बहुत मजबूत, ऑफ रोडिंग में अभी मैं इसको नंबर वन रैंक दूंगा, मतलब ऑफ रोडिंग और टूरिंग के लिए, सॉरी टूरिंग ऑफ रोडिंग दोनों के लिए नंबर वन रैंक इसी को मिलेगा। बाकी इंडियन क्रूज क्रूजर है भाई, क्रूजर वाले एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन सब बाप बनाया, बाप एकदम खतरनाक। आज अहूरा पे यार भीड़ भाड़ ज्यादा है, इसलिए अभी मेरा स्वागत कर रहे हैं लोग ऊपर। चलिए सर, चलते हैं चलते हैं, ये लोग आज ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वो वाला ऊपर नहीं भाई, यह वाला ऊपर भाई, देख रहे हो, वुमेन वॉशरूम, मेंस वॉशरूम और रॉयल एसआर उसमें चला गया था, अब इसमें आएगा वापस। तो हम लोगों के नाश्ता होके हो चुका है यहाँ पे आधा घंटा, और हम लोग यहाँ पे ही खड़े थे, सब लोग इधर से नहीं, आज इधर से सब लोग भाग रहे थे, भाग नहीं रहे थे मतलब अपने घर जा रहे थे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न था, मेन क्या हुआ ना कि यहाँ पे और उस वाले गेट पे दोनों जगह पे ना पुलिस वाले लोग खड़े थे, पता नहीं क्यों, शायद से चेक कर रहे कौन भगाता है कौन स्लो जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग ने सोचा बिना मतलब फालतू में जाने का नहीं, फिर रुकाएंगे सवाल जवाब करेंगे, इससे अच्छा आराम से यहाँ खड़े थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े थे। बाकी लोग तो इधर से सनासन निकल गए और थोड़े लोग इधर से सनासन निकल गए, अभी हम लोग इधर से जाएंगे क्योंकि वो लोग चले जा चुके अभी। तो भाई अभी पुलिस वाले सर लोग खड़े थे, उसके चक्कर में हम लोग आधा घंटा यहाँ खड़ा रहना पड़ा कि नहीं गर्मी में, निकलते और तो क्या करें? वो लोग गए तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से क्योंकि हो गया है टाइम पास करने आएंगे बाइक लेते और क्या। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, कुछ हुआ नहीं ऐसे ही आए थे ये लोग खाली, क्योंकि बाइक वाले को तो एक भी रुकाया नहीं ना, वही तो है। हाँ इतना जरूरी है के ऊपर एक बंदा है और वीडियो बना के लेके गया। हाँ एक दो आदमी आए थे, सबका मुंह एकदम वीडियो बना के ले जा रहे थे, तो पता नहीं शायद क्या कुछ होगा, कुछ रीज़न उसके पीछे हमको भी अभी पता नहीं चल रहा है, शायद सेफ्टी के लिए कि हाँ भाई ये लोग आते हैं ऐसा कुछ। हाँ होगा रिकॉर्ड्स के लिए कि राइडर्स लोग ऐसा करके ऐसा रिकॉर्ड्स के लिए होगा शायद। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी। बाजार वाले रास्ते पे आ गए भाई, हाईवे से भीड़ भाड़ लग रही है, आज संडे है, तगड़ा भीड़ लग रहा है आज का। तो चलो तो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और आज का संडे राइड शॉर्ट राइड कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे अपने बहुत जल्दी आने वाले, जो तिथल वाला जो मेरा ब्लॉग है आपको इधर आई बटन पे मिल जाएगा, तो तिथल वाले ब्लॉग के रिलेटेड ही एक जगह है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ लॉन्ग राइड पर, अभी नहीं रिवील अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा जब जाऊँगा तब, क्योंकि अभी से रिवील करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सस्पेंस भी बने रहने दो। तो लॉन्ग राइड भी सुन होगी जल्दी ही, और तब तक के लिए ऐसे ही यार प्यार देते रहो चैनल को, यार बहुत ज़बरदस्त वाला सपोर्ट मिला मुझे, बहुत खुश हूँ मैं। डी आर आर्मी जिंदाबाद। तो ऐसे यार ऐसे सपोर्ट करते रहना, और चैनल को एकदम रॉकेट की रफ्तार में ग्रो करवा दो, इतना शेयर करो ना कि सब जितने लोग भी शेयर कर रहे हैं ना, और सामने वाले जिसको शेयर कर रहे हैं ना उनके डिस्प्ले पे हमेशा एक ना एक बार दिन में दिख ही जाना चाहिए डी आर आर्मी। तो थैंक यू TD01 राइडर चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना,
चलो फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान देना सब लोग अपना, और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर एवरीवन।